ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज की ये जो वीडियो है गाइस, उसमें मैं बताऊंगा आपको एक सबसे स्टेबल जीकेएम फॉर वन प्लस सेवन एंड सेवन प्रो। या गाइस, अगर आपके पास वन प्लस सेवन हो या सेवन प्रो, तो उन दोनों ही जो वेरिएंट्स में ये जो जीकेएम मैं बताने वाला हूँ आपको काफी अच्छे से वर्क कर जाता है। एंड बाय द वे, ये जो जीकेएम है गाइस, उसको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। या गाइस, नियरली अबाउट 3 मंथ्स के ऊपर हो चुका है। एंड उस पीरियड में जो मैंने फोटोज एंड वीडियोज कैप्चर किए हैं, तो गाइज मैं आपको साथ ही साथ शेयर करता जाऊंगा। एंड ऑल्सो इस जो पर्टिकुलर वीडियो है गाइज, उसमें इन दोनों ही कैमरा ऐप का कंपैरिजन आएगा, लाइक स्टॉक वर्सेस जीकेएम। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली गाइज, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एंड अगर आपके पास, फिर से बोल रहा हूँ, लाइक इन दोनों ही वेरिएंट्स में से कोई एक वेरिएंट हो गाइज, तो उसमें काफ़ी अच्छे से वर्क कर जाएगा जीकेएम। एंड एंड मैं बताऊंगा कि कौन सा क्या, लाइक जो आपको स्टॉक कैमरा यूज़ करना चाहिए या जीकेएम पे शिफ्ट, परमानेंट शिफ्ट हो जाना चाहिए। सो ये सब आपको एंड तक मालूम पड़ जाएगा। सो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस जीकेएम के बारे में। सो गाइस, ये जो है वर्जन 6.3 है, या कि सभी वर्जन 7.2 एंड वर्जन 8 भी निकल चुका है, बट ये वन ऑफ द स्टेबल एंड अच्छा जीकेएम आपको मिल जाएगा। सो गाइस, लाइक इसी का मैंने पर्टिकुलर रिव्यू बना दिया। एंड आगे भी ट्राई करता रहूँगा, जो भी अच्छा जीकेएम मुझे मिलेगा लाइक उसका भी मैं रिव्यू ले आऊँगा आपके लिए। सो अभी तक तो ये वन ऑफ द स्टेबल जीकेएम आपको मिल जाएगा इस फोन के लिए। सो चलिए फिर फटाफट से जीकेएम को ओपन कर लेते हैं। एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखा दूँ इसका जीकेएम का लेआउट। सो गाइस, नीचे ही आप देख सकते हो आपको सारा ही ऑप्शन मोड्स मिल जाएंगे आपको, लाइक नाइट मोड में, कैमरा, वीडियो या पैनोरामा, जिसमें भी शिफ्ट होना है आप नीचे से इजीली शिफ्ट हो सकते हो, जो कि आपके थंब के बिल्कुल बगल में ही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। सो गाइस, लाइक ऊपर से आपको छोटा सा एरो दिख रहा होगा। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इजीली स्लाइड डाउन करके जो भी कुछ आपको कस्टमाइजेशन करना हो मोड में, आप इंस्टेंटली कर सकते हो। सो ये तो होगी इसकी लेआउट के बारे में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद फोटोज एंड वीडियोस। या गाइस, फोटोज एंड वीडियोस से शुरुआत करते हैं। सो गाइस, फोटोज में बेसिकली आपको मूवमेंट जो है वो एक फोटो की दूसरे फोटो से अलग दिखेगी, क्योंकि लाइक सिंगल ही कैमरा से मैं आप ये क्लिक कर रहा हूँ। सो गाइस, थोड़ा सा वो उतना आ जाता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। सो चलिए फिर बात करते हैं फर्स्ट फोटो में डिफरेंस की। सो गाइस, लाइक आप देख सकते हो कि जो स्टॉक कैम है और जी कैम है, उन दोनों का जो फोटो एल्गोरिथम है वो बिल्कुल ही अलग है। आप देख सकते हो कि स्टॉक जो कैम है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है डोर को, एंड एज वेल जो जी कैम है वो काफ़ी नेचुरल रखा है, जो थीम है काफ़ी नेचुरल है। सो इस पर्टिकुलर फोटो में मैं जी कैम की तरफ जाऊँगा। सो सेकेंड फोटो की बात करूँ तो गाइस, ये देख सकते हो सामने आप, ये सोफे की एक फोटो है। सो गाइस, सोफा काफ़ी डार्क था, एंड जो आप देख सकते हो स्टॉक कैमरा है जो डार्क को डार्क ही उतारा है, एंड एज वेल जो जीकेएम है वो काफ़ी अच्छे से जगह को हाईलाइट भी किया है। सो इस पर्टिकुलर फोटो में भी मैं जीकेएम को ही सिलेक्ट करूँगा ओवर द लाइक स्टॉक वेरिएंट पे। सो इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हो कि जीकेएम की जो फोटो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ओवर द स्टॉक कैमरा, क्योंकि एज लाइक स्टॉक कैमरा ने काफ़ी ज़्यादा वार्म कर दिया है इस पूरे सीन को, एंड वहीं पर जीकेएम ने काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल रखा है। सो पिंक कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है जीकेएम में। सो इस शॉट में आप देख सकते हो कि जो कि स्टॉक कैमरा का येलो कर्टन से वो काफ़ी ज़्यादा लाइक डीप येलो आया है एज़ कम्पेयर टू जीकेएम का लाइट येलो। सो गाइस, इस पर्टिकुलर फोटो को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको जैसा लाइक कलर का नेचर पसंद है तो उस हिसाब से आपको दोनों ही फोटो अच्छे लगेंगे। मुझे बेसिकली दोनों ही फोटो में कुछ उतना ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा है। सो बेसिकली ये फोटो दिखाने का यही मतलब है कि आप अगर काफ़ी ज़्यादा वाइड फोटोग्राफी करोगे तो उतना ज़्यादा आपको फर्क नहीं दिखेगा दोनों ही कैमरा में। सो सामने आप देख सकते हो कि उतना ज़्यादा आपको नोटिसेबल चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेगा, दोनों ही कैमरा का फोटोज़ काफ़ी अच्छा है एंड दोनों ही कैमरा ने काफ़ी अच्छे से प्रोसेस किया है इस फोटो को। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, सो इस पर्टिकुलर फोटो में मैं ऑब्वियसली जीकेएम के ऊपर जाना चाहूँगा, क्योंकि लाइक आप देख सकते हो जीकेएम ने काफ़ी अच्छे से वेल इसको मैनेज किया है, एंड काफ़ी अच्छा शार्प आपको इमेज देखने मिल जाएगा ओवर द स्टॉक कैमरा, जो कि काफ़ी हार्श लाइटिंग कंडीशन लाइक नज़र आ रही है उसमें। सो अभी तक आपको माइनर चेंजेस ही देखने मिल रहे थे, बट अब मेजर आ गया है। सो गाइस, आप देख सकते हो सामने ये जो कलर है दोनों में भी उतना परफेक्ट नहीं आया है, बट ज़्यादा तो मैं स्टॉक कैमरा के ऊपर जाना चाहूँगा, क्योंकि लाइक वो जो फोटो थी सामने जो बेंच थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कैमरा के ऊपर रिजेंबल हो रही है ओवर द जीकेएम। सो इस शॉट में भी मैं स्टॉक कैम को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि लाइक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लाइक क्योंकि जो कलर है वो हेडबोर्ड का वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुआ है स्टॉक कैम के फोटो में, एंड जीकेएम में थोड़ा सा ये डल हो गया है, एंड ऑब्वियसली जैसा था वैसा ही आ रहा है। सो वो फोटो मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। सो सेल्फीज़ की बात करें तो वैसे सेल्फी जो स्टॉक कैमरा से आती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है ओवर द जीकेएम, इसीलिए मैं इसमें कंपैरिजन दिखा नहीं रहा हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो कि जो फ्रंट कैमरा से स्टॉक कैम में फोटोज़ आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी शार्प है, आपकी जो फेस है वो काफ़ी लाइक फास्ट रिकग्नाइज हो जाती है। सो आपको बार बार टैप नहीं करना पड़ता आपकी स्क्रीन पे, जो कि काफ़ी लाइक शॉर्ट टाइम बना देता है किसी भी फोटो लेने के लिए, एंड सेल्फीज़ जो काफ़ी अच्छी आती हैं इस वजह से। सो इस वेरिएंट की जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ओवर द लाइक 2021 के अगर मिड रेंजर से बात करो, या 2022 के मिड रेंजर से बात करो। सो इट लाइक वीवो V21 है हमारे पास, एंड उसके भी फ्रंट कैमरा से ज़्यादा अच्छी फोटोज आती है इस फोन में।
सो उस वजह से फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सेल्फीज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी शार्प आती है, आप देख सकते हो काफ़ी डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में काफ़ी एंड आउटडोर्स में भी काफ़ी अच्छे फोटोज़ आते हैं। आप सामने देख सकते हो हमने ग्रुप सेल्फी भी ली है जो कि काफ़ी अच्छी आई है एंड एक सिनेमैटिक सा लुक दिख रहा है आपको इस फोटो का। सो यहाँ तक तो आपने देख ली दोनों ही कैमरा के फोटोज़ की क्वालिटी को। सो लेट स्टार्ट विथ वीडियो क्वालिटी। सो गाइस एक छोटी सी नोट देना चाहूँगा क्योंकि गाइस लाइक ये दोनों ही जो फुटेजेस है वो सिंगल कैमरा से क्लिक की गई है। सो आपको थोड़े से लाइक मूवमेंट में इश्यू देखने मिल जाएगा क्योंकि दोनों ही कैमरा के जो मूवमेंट है वो एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं होंगे। सो ये रहा फर्स्ट फुटेज एंड बाय द वे जो रिसेंटली मैंने यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया हूँ आईफोन 11 प्रो का, वो पूरा जो वीडियो मैंने इसी लाइक कैमरा के स्टॉक कैम एंड जी कैम से खींचा हूँ। सो गाइस उतना ज़्यादा कुछ अंतर देखने नहीं मिलेगा आपको, दोनों ही कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं एंड बेसिकली एक छोटी सी लाइक एडवांटेज होती है अगर आप जी कैम यूज़ करते हो तो जी कैम की जो रेडी फाइल साइज आती है वो स्टॉक कैम से अपना थोड़े कम आती है। लाइक इफ अगर आप 250 MB रेडी हो रही है स्टॉक कैम में तो उतना ही 200 MB रेडी होगी जी कैम में। सो ये स्लाइटली एडवांटेज है जी कैम को यूज़ करने का। सो बेसिकली आप यहाँ पर अपने तीन फुटेजेस देखे हैं एंड ये लास्ट फुटेज है, मैं उतना ज़्यादा कुछ इसमें और फुटेज दिखाऊंगा नहीं आपको क्योंकि दोनों ही ऐप्स काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर जाते हैं एंड बस स्लाइटली एक एडवांटेज है जैसे मैंने बताया कि जी कैम से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको लाइक स्लाइटली कम स्टोरेज पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कैम है। बाकी जो दोनों ही ऐप्स है वो काफ़ी अच्छी से ऑप्टिमाइज करते हैं वीडियो को एंड उतना ज़्यादा कुछ फर्क आपको देखने नहीं मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ तक आपको मालूम पड़ गया है दोनों ही कैमरा के फोटोज़ किस तरीके के आते हैं, वीडियो फुटेजेस किस तरीके के हैं एंड ऑल्सो दोनों ही कैमरा का कंपैरिजन भी आपने मोस्टली देख लिया है इधर तक। सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा कैमरा हमें यूज़ करना चाहिए, क्या हमें स्टॉक कैम यूज़ करना चाहिए या जी कैम के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। सो बेसिकली मैं आपको इधर फोटोज दिखा देता हूँ तो उसके ऊपर आप इजीली जज कर सकते हो कि कौन सा कैमरा आपको यूज़ करना चाहिए। बाकी तो अभी सारा ही कंपैरिजन वगैरह मैं दिखा दिया हूँ। सो ये फोटो में बेसिकली आपको एक वुडन ब्राउन कलर्ड सोफा दिख रहा है। सो गाइस जो ब्राउन कलर वो जी कैम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ओवर द स्टॉक कैम, आप इजीली जज कर सकते हो कि जो स्टॉक कैम का है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया फोटो। नियरली मैंने दोनों ही कोशिश किया हूँ कि एकदम अच्छे से अच्छा फोटो है बट जी कैम का ज़्यादा इसमें अच्छा रहा है। एंड बाय द वे सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हो कि जो स्टॉक कैम है वो जी कैम से ज़्यादा अच्छे ब्राइट फोटो ले रहा है। सो लाइक इस पर्टिकुलर फोटो में मैं इजीली स्टॉक कैम को प्रेफर करूँगा ओवर दी जी कैम क्योंकि इसमें जो कलर्स है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ब्राइट आए हैं जो लाइक काफ़ी अच्छे लगते हैं आँखों को देखने में। सो यहाँ तक तो आपने देख लिया दोनों ही कैमरा लाइक ऐप्स के कंपैरिजन एंड दोनों ही ऐप्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं एंड दोनों की क्या स्पेशलिटी है मैंने सभी कुछ आपको बता दिया है। सो ये जो जी कैम का डाउनलोड लिंक है गाइस वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वहाँ से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो ये गाइस जी कैम वर्जन 6.2 है एंड ये जो जी कैम है सो इन माय ओपिनियन आप भी ऐसा कर सकते हैं, साइड बाय साइड दोनों ही कैमरा के ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, एक कंप्लीट अच्छा एक आपको एक्सपीरियंस भी देखने मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आ गई हो। सो गाइस लाइक जैसे मैंने बताया डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आके इजीली ये जी कैम डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है एंड अगर आपको कोई लाइक लगता है कि न्यू जी कैम को भी मैं टेस्ट करूँ तो गाइस आप इजीली कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना लाऊंगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस मेरा नाम है फैजान, आप देख रहे हैं टेक मोटो एन यू। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय बाय।